आज हम लोग बाबूजी हाथीलगर नाम से हम लोग कैंडल जलाया। हम लोग इसलिए कैंडल जलाया कि सतोत्तर रात को महिलाओं में उसका महिला उसी का टीम से टीम जाके उसको एक्सटीन किया, उसको गोली से उसको मरने लगा। तो इसलिए उसका मेमोरी में हम लोग आज कैंडल जलाया और उसका कैंडल जलाया। इसलिए पहले हाफ लोग मैंने सब जगह में अर्जुनल नागालैंड जहाँ जहाँ सब मैंने आज का दिन में कैंडल जलाया है। और आज का दिन में कैंडल जलाने के लिए DNLA का लीडर का तरफ से भी हम लोग रिक्वेस्ट किया है, तो उन लोग का मांग था, इसलिए हम लोग भी उसके दिन में कैंडल जलाया। और आज का जो बाबूजी अपीला मौजूद उसका साथ में दो आदमी इंजरी, तीन आदमी इंजरी हुआ, उसको अभी आज का दिन में सिलसर में लेके गया, उन लोगों ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग जो हम लोग आगे मांग किया था उसको पूरा करने से गवर्नमेंट का तरफ से गवर्नमेंट को भी हम लोग आशा रखता हूँ, लोग भी जो हम लोग का जो मांग है पूरा करेगा, गवर्नमेंट को भी हम लोग आशा रखते हैं। हाँ उसका तो पंद्रह उसका साथ में हम लोग मांग किया था। किसका 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 पूछा जमान और उसका साथ साथ अरेस्ट करने के लिए हम लोग मांग किया था। अभी उसके लिए कुछ कारण से कानून का कुछ टेक्निक भी है, उसका कारण से वो लोग अरेस्ट नहीं किया था। हम लोग बाद में उसको क्लोज कर दिया, ड्यूटी से क्लोज किया हेडक्वार्टर में रखा और फिर वो लोग कमीशन बैठाया, इंक्वायरी कमीशन बैठाया। इंक्वायरी कमीशन सेवन डेज में ही वो लोग टाइम लिया था, सेवन डेज में इंक्वायरी करेगा। तो जो भी हो हम लोग का मांग है पहले उसी का बाद में जो भी हो जिस चीज को जो पब्लिक हो या पुलिस प्रोफेशनल हो जो एक्सीडेंट में जो इन्वॉल्व है सबको निकालना चाहिए, सबको सजा मिलना चाहिए। ठीक।